मित्र, मित्र को भी विपत्ति के समय में देखा जाता है। मित्र किसको कहते हैं? कई बार बच्चे आते हैं, कहते हैं जी मेरे से गलती हो गई, आपने तो पर्ण करवाया था लेकिन शादी में गया था, वहां मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी। एक बात बताओ कि कोई किसी को बुरे रास्ते पे डालता है, वो उसका मित्र है या दुश्मन है? वो मित्र कैसे हो सकता है जो बुराइयों में डालता है उसको? मित्र का काम होता है अपने मित्र को, दोस्त को सही रास्ते पे लाना, उसकी बुराइयों को निकालना, दूर करवाना। उसकी छोटी बात हो तो बड़ी अच्छे गुणों को प्रचार करना, उसको अच्छी शिक्षा देके और बुराइयों से जो दूर करता है, दुख के समय, कष्ट के समय, कोई भी परेशानी हो उस समय में उसकी मदद करता है, वो मित्र कहा जाता है। लेकिन अगर कोई किसी को बुरे रास्ते पे डालता है, चोरी सिखाता है, झूठ सिखाता है, नशे विषय विकारों में डालता है, जुआ और दूसरी बदमाशी की चीज़, लड़ाई झगड़ों में फंसा देता है, वो मित्र नहीं, वो समझो उसका दुश्मन है, क्योंकि उसने उसको बुराइयाँ सिखाई है। मित्र कभी किसी का बुरा नहीं करता। और मित्र की परीक्षा अगर करनी हो तो मित्र की परीक्षा उस वक्त में करो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है, कोई दुख और कष्ट आता है। उस कष्ट के समय अपने मित्र को आजमा के देखो और उसको कहो मेरे ऊपर ये विपत्ति है, आप मेरी मदद करो, तो आप पाओगे कि सच्चा मित्र होगा तो वो अपना सब कुछ दे के भी आपकी मदद करेगा। अगर धोखेबाज होगा, कपटी होगा, स्वार्थी होगा, जो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो कोई भी बहाना लगा के तुम्हारे से अपना पीछा छुटा जाएगा और कभी मुड़ के तुम्हारे से बात भी करना नहीं चाहेगा। वो दोस्ती नहीं है, वो मित्रता नहीं है। तो मित्र वो होता है जो आदमी के हित की बात सोचता है और उसको बुराइयों से बचाता है।